नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में हेर फेर करने का आरोप झेल रही केरल सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष के निशाने पर आ चुकी केरल सरकार अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की लिस्ट में 7,000 और लोगों का नाम शामिल करने जा रही है। नए नाम जोड़ने के बाद अब केरल में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 33,000 के पार हो गई है। अभी तक ये आंकड़ा 26,000 के करीब था। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में विपक्ष लगातार केरल सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मौत के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है और आंकड़ों को कम करके दिखाया जा रहा है। विपक्ष के दबाव के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि ऑनलाइन फंडिंग से पहले कोरोना से हुई 7,000 मौतों का डेटा भी राज्य के आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने जिन 7,000 मौतों को राज्य की सूची में शामिल करने की बात कही है, वो मौतें जून के दूसरे हफ्ते तक की हैं। अधिकारियों ने बताया कि जून के बाद के आंकड़ों को डेटा में शामिल कर लिया गया था, लेकिन पहले के आंकड़े छूट गए थे। सही आंकड़े जल्द ही पेश कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF ने शुक्रवार को केरल विधानसभा से वॉकआउट किया था और आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौतों को छिपा रहे हैं। UDF ने कांग्रेस विधायक PC विष्णुनाथ द्वारा लगाए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के जरिए आरोप लगाया कि केरल सरकार COVID-19 से हुई मौतों को छिपाने की कोशिश कर रही है। स्पीकर के द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया था। विपक्ष ने शुक्रवार को LDF सरकार पर COVID-19 प्रबंधन के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।